क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में पूड़ी, पनीर की सब्जी, आइसक्रीम और सेब जैसी चीजें खिलाई जा रही है? ये सवाल पिछले दो दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों के शक्ल में वायरल हो रही है। असल में जालौन के उच्च प्राथमिक विद्यालय मलकापुर की तस्वीर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस तस्वीर में स्कूल का बच्चा कथित तौर पर मिड डे मील की थाली लेकर खड़ा दिख रहा है। इस थाली में पूड़ी, पनीर की सब्जी, सेब, आइसक्रीम, सेब, खीरे का सलाद जैसी चीजें दिख रही हैं। इस तस्वीर के साथ लोग फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा कर रहे हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में सरकारी स्कूलों में ये मिड डे मील दिया जा रहा है। भाजपा के लोग जैसे साध्वी प्राची लिख रही हैं, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का मिड डे मील अगर दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय में ऐसा होता तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सुर्खियां बन जाती। इसी तरह ट्विटर पर खुद को बीजेपी का वर्कर बताने वाले अरुण यादव भी ऐसा ही एक ट्वीट कर रहे हैं और सेम कैप्शन के साथ पोस्ट कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इन पोस्टों में यूपी के सरकारी स्कूलों की तारीफ हो रही है तो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उसके मजे लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये किस्सा जो है वो दरअसल कुछ दिनों पहले एक मशहूर विदेशी न्यूज़ प्लेटफॉर्म में दिल्ली के सरकारी स्कूल पर की जाने वाली स्टोरी को लेकर हुई है, जिसमें मनीष सिसोदिया को लेकर खूब राजनीति हुई है। अब इसी को लेकर बीजेपी नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो ट्वीट के सहारे बातचीत की जा रही है उसका पूरा खेल ही उल्टा है। दरअसल हो सकता है जालौन के स्कूल की वायरल तस्वीरें आपके सामने भी आई, ऐसे में आपके भी मन में ये बात उठी होगी कि क्या सचमुच में यूपी के सरकारी स्कूलों में इतना रिच, पौष्टिक और स्वादिष्ट मिड डे मील दिया जा रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने भी इस मामले की पूरी पड़ताल की है। असल में जिस ग्राम पंचायत मलकापुर के स्कूल के मिड डे मील की तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो एक स्पॉन्सर्ड व्यवस्था है। इसका जरिया बने हैं वहाँ के युवा ग्राम प्रधान अमित, जो ग्राम पंचायत व्यवस्था में अपने अभिनव जो मतलब नए नए प्रयोग होते हैं उसको लेकर मशहूर है। यूपी तक ने जब अमित से बात की तो हमें पता चला कि ये व्यवस्था का नाम है तिथि भोजन। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आपका जन्मदिन है, आपकी मर्जी है कि आप वहाँ के स्कूल के मिड डे मील के तिथि भोजन को स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं। अमित ने इसके अलावा एक पोस्ट भी लिखी है जिसमें वो मिड डे मील में अपने एड ऑन और तिथि भोजन के प्रयास के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अमित ने इस पोस्ट में बताया है कि जो एड ऑन का कॉन्सेप्ट है उनका, जो उन्होंने अपनाया है अपने ग्राम पंचायत में, वही तिथि या कहें आप वही जो तिथि भोजन का आइडिया वो उन्हें गुजरात से मिला है। अमित की इस पोस्ट को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो इन वायरल तस्वीरों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भैया यूपी के स्कूलों के मिड डे मील में असली मेन्यू क्या है? क्या आइसक्रीम मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सिर्फ दाल चावल मिल रहा है? तो चूंकि वायरल तस्वीर का जब आप पूरा सच जान चुके हैं तो ऐसे में ये भी बात जाननी ज़रूरी है कि आखिर यूपी के सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में क्या खिलाया जाता है। अब हम आपको चंदौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुर के माध्यान्ह भोजन का एक मेन्यू दिखाते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। यहाँ आपको तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग मेन्यू है। इसमें सोमवार से लेकर शनिवार तक के लिए डिसाइड किया गया है कि किस दिन क्या बनेगा। जैसे किसी दिन रोटी बीन, सोयाबीन की सब्जी, दाल, बड़ी युक्त सब्जी, किसी दिन तहरी, किसी दिन दूध, इसी तरीके से महीने के अंतिम गुरुवार को फल वितरण की भी व्यवस्था है, यानी कि महीने में सिर्फ एक दिन फल मिलने का प्रावधान है। इस मिड डे मील के मुताबिक औसतन जो है वो एक छात्र के ऊपर एक दिन में 4.48 रुपये का खर्च बैठता है। तो ये है उत्तर प्रदेश के सरकारी मील की, जो सरकारी मिड डे मील है उसमें क्या मिलता है, जो तस्वीर वायरल हो रही है उसका सच क्या है। दोनों में काफ़ी अंतर है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को वायरल करके काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इसका सच हमने आपके सामने रख दिया है। तो अब आपको एक और बात बता देते हैं, भैया ये स्टोरी किसने लिखी है। तो स्टोरी लिखी है हमारे वेबसाइट के सहयोगी हर्षवर्धन ने। रिपोर्ट जो है वो हर्षवर्धन और चंदौली से उदय गुप्ता जी की है। और रही बात प्रस्तुत किया है मैंने रजत सिंह ने। और उत्तर प्रदेश से तमाम जुड़ी खबरों के लिए अगर आप बहुत दिलचस्पी रखते हैं राजनीति में और उसको समझना चाहते हैं तो एक अड्डा है uptak.in, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं और तमाम खबरें पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ यूपी तक आपके लिए सदैव हाजिर है। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।